ये पुल किया है। मिड विकेट पे ये शॉट 4 रनों के लिए नारू के बैट से निकला ये शॉट, भले ही हिट कर दिया था, वहां छोटा बॉल है, हवा में बोल, क्या कैच होगी, पहला विकेट लेने का चांस और ये कैच आउट। सीबीआरई की टीम को पहला विकेट मिला और नारू जो कि बहुत अच्छा खेल रहे थे अभी तक। क्लीन बॉल और वन ब्रिंग्स टू, बात सही हुई वहां पर, पहली ही गेंद पर आउटों के वापस जाते हुए नितिन, बड़ा झटका लगता हुआ। काफी ऊपर था बॉल, कोई चांस नहीं वहां पर मिड ऑन के खिलाड़ी के पास, स्ट्रेट ड्राइव मनीष जायसवाल के बैट से खूबसूरत, फिर से पट्टी हुई बॉल की, बहुत कंट्रोल्ड पुल, बहुत ही आसानी से ये पुल शॉट खेला, तैयार खड़े थे इस गेंद के लिए और एक और बाउंड्री लगती हुई वहां, और ये पुल शॉट बॉल तारा बना दिया है गेंद को, बहुत ऊंची, ये बहुत लंबा छक्का है, मिड ऑफ का खिलाड़ी ऊपर था, काफी आसान हो गया बैट्समैन के लिए शॉट को खेलना। और बहुत ही अच्छा रहा है वहां उज्जवल से, पूरी कोशिश जरूर करी पर बहुत अच्छा फील्डिंग एफर्ट के लिए एक रन बचाया, हमने बहुत तेज कॉटन बोल्ट का एक चांस, बहुत मुश्किल है, क्या चिपक जाते हैं पर पकड़े नहीं जाते, दस हजार रन पूरे कर लिए हैं मनीष जायसवाल ने। घुमाया है, लाउड साइड एज और एक और झटका लगता हुआ टीसीएस की टीम को, और सही समय पर सफलता मिलती हुई सीबीआरई की टीम को। आगे हवा में शॉट, फील्डर कैच पकड़ लिया है विवेक ने, बहुत मुश्किल कैच था ये, बहुत मुश्किल होता है जज करना धूप में पर बहुत अच्छा कैच पकड़ा है, 72 रन है 11 ओवर के बाद, राहुल बॉलिंग पे और ये हवा में बॉल, क्या कैच होगी जी, एक और विकेट गिरता हुआ, 5वां झटका लगता हुआ और ये बड़ा विकेट, मनीष जायसवाल कप्तान भी आउट हो गया, वापस जा चुके हैं सीबीआरई की टीम इस मैच में बहुत ऊपर। अब डंडा बाहर, इस बार पढ़ नहीं पाए गेंद को, वहां समझ नहीं पाए बल्लेबाज, और एक और झटका लगता हुआ, राहुल ने निकाला विकेट, कारकूद के मारने गए वहां, क्या कैच आउट होगी दिया सीधी वहां, भगवान के हाथ में गई कैच, बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में सचिन भी आउट होकर वापस जा चुके। अब ओवर के बाद 75 रन है और 8 विकेट है,
स्वीप मारा और ये कुछ इम्पोर्टेंट रन अपनी टीम के लिए बनाते हुए वहाँ TCS के लिए बहुत ज़रूरी बाउंड्री है ये। स्लैश किया है इस बार, पॉइंट के ऊपर से निकाल दिया ये शॉट, चार रन वहाँ, काफ़ी रूम ऑफर कर दिया बॉलर ने। यार है ये फ्लाइट बहुत ऊपर चले गई है गेंद, बॉलर खुद ही उसके नीचे उज्जवल पकड़ा कैच, बहुत अच्छे फिल्टर भी हैं और एक और छक्का, नौवां विकेट अब गिर चुका है अभिषेक की, आउट हो गए वापस CBRE की टीम इन फ्रंट। घुमाया है, सिलेक्ट किया है, सीधी गोदी में गई थी वहां खड़े डीप पे फिल्टर के, कैच टूट चुका है, आखिरी विकेट थी, यहीं समाप्त हो सकती थी इनिंग। गाइड किया है, ये निकाल दिया है पॉइंट के ऊपर से ये शॉट, चालाकी से ये खेला शॉट, चतुराई से खेला गया और ये बिल्कुल रडार में गेंद डाल दी और वहां मार बैठे हैं सामने छक्का, गेंद का वहां वेट कर रहे थे बल्लेबाज और वही गेंद मिल गई, तो 8 रन अब स्कोर बढ़ के पहुंचा। फिर से घुमाया, उतना अच्छा कनेक्शन नहीं है पर कैच छूट गया है और 2 रन भाग लिए हैं, कंप्लीट भी कर लेंगे और इसी 2 रन के साथ 110 रन। फाइनल मुकाबला CBRE की टीम बहुत ऊपर, इस मैच में 111 रन बनाने होंगे ये फाइनल मैच जीतना है तो। रन का टारगेट यार TCS की टीम और अंदर भी अंदर आ चुके हैं CBRE के, नो स्कोरिंग ये टोटल है, देखा होगा किस तरीके से घटता है ये फाइनल। शॉट कड़क था, बहुत दूर नहीं थी फिल्डर से, बहुत जबरदस्त कैच है, आप एच और ये कैच होना चाहिए था वहां विकेट कीपर से, बहुत बड़ा ब्लंडर हो चुका है, ये कैच होना चाहिए था, अर्ली ब्रेक थ्रू चाहिए होंगे, 111 रन है बस। और ये खूबसूरत शॉट, कड़क शॉट सामने, वन बाउंड्री, और इस बार फिर से एज लगा और एक और चांस वहां पर छूटता हुआ TCS, और तेज स्लैश किया था वहां पे और क्लीन बॉल, और इस बार हटके मारने का प्रयास था और आखिरकार TCS को विकेट मिलती हुई और इस बार किसी फील्डर की जरूरत नहीं वहां गेंदबाज को। और क्लीन बॉल, बैक टू बैक विकेट, जिस तरीके से हमने फर्स्ट इनिंग में देखा था उस तरीके से सेकंड इनिंग में भी ये देखने को मिल रहा है, बैक टू बैक विकेट, तो फिर 2 झटके TCS वापसी करती हुई। और बहुत तेज शॉट वहां, बॉल बॉल बचे बैट्समैन, और फिर से इस बार लैट गई है 6 रन, इस बार बहुत तेज शॉट, जितनी तेज गेंद आई उससे डबल स्पीड में बाहर गई। इस बार फिर पुल किया है, इस बार छोटा गेंद वहां काफी पहले रीड कर लिया बैट्समैन ने और बैक टू बैक बाउंड्रीज लगाते हुए छोटे से टोटल को और छोटा करते हुए कवर्स की तरफ अनइवन वहां पर बाउंस हुई और कोई मौका नहीं वहां कवर्स के फील्डर के बाद गेंद को रोकने का और
चार गेंदों पर लगातार बाउंड्री आती हुई, तीन चौके एक छक्का। एक और बार इनफील्ड के ऊपर से खेला ये शॉट, चार रन मिलेंगे। बहुत तेज स्पीड से बैट घुमा रहे हैं और उतनी ही तेज जवाब दे रहे हैं। बार हवा में बॉल है, कवर के पास चांस है विकेट लेने का और ये कैच टूट चुका है। इंपॉर्टेंट फेज है इस मैच का और बिल्कुल बिल्कुल यहां तक आवाज आई है, बहुत मोटा एज लगा था। तीसरा विकेट इस बार राहुल जी आउट हो गए वापस। अब प्रशांत ने निकाला है विकेट अपनी टीम के लिए तीसरी सफलता। हवा में बॉल और सीधी कवर्स के हाथ में टपका दिया ये कैच। और क्या कैच हो सकता था ये, बहुत दूर विकेट कीपर के लिए नामुमकिन कैच है ये, पर अगर कैच हो जाता था। और इस बार पिक करके स्क्वायर लेग पे ये छक्का जड़ा है और खूबसूरत शॉट छह रनों के लिए। पार की पार कर जाएंगे छह रन बैक टू बैक से। इस बार फ्लाइट से था बॉल, चढ़ दिया है सामने की तरफ छह रन। बार कट किया है, एक बार फिर गैप में शॉट, टाइमिंग बहुत अच्छी वहां पर। लगातार तीन बाउंड्री और दो छक्के एक चौका, कवर में बहुत अच्छे रन आ रहे हैं। फिर कवर ड्राइव और बाउंड्री, कवर की शुरुआत भी हुई है बाउंड्री के साथ। सीबीआर की टीम अब टॉप पे बिल्कुल। एच एंड गॉन, बहुत अच्छा कैच पकड़ा और एक और विकेट सीबीआर की। बहुत रन चाहिए हैं टीसीएस की टीम, ऐसे हार नहीं मान सकती, बट सब रहे हैं बॉलिंग करने के लिए। और इनसाइड है गैप में शॉट, वहाँ कोई फील्डर मौजूद नहीं है और बहुत रुक गया। दो रन भाग चुके हैं, तीसरे के लिए भी भाग गए हैं, तीन रन कम्प्लीट पहली गेंद पर। या गैप में शॉट, ये चार रन मिलेंगे। बहुत जल्दी एडजस्ट करा अपने पीछे वाले पैर को और चढ़ गया है मिड विकेट की तरफ ये चार रनों के लिए। खराब बॉल, फुल टॉस बॉल था वहाँ, पहले कोई फिल्टर नहीं है। क्या ये बाउंड्री हो जाएगी जी, नहीं, एक बार फिर रुक गई है गेंद। सिर्फ दो ही रन लिए, खराब शॉट, अच्छा यूज किया वहाँ पर फील्ड का और ये चार। रन बयालीस गेंदों में अभी तक पूरे तरीके से मैच चल रहा है सीबीआर की तरफ और एक और चांस चूसता हुआ बहुत तेज सामने की तरफ। परफेक्ट स्वीप, क्या रोक पाएंगे वहां, बहुत अच्छी फील्डिंग। तो फिर ऑफ स्टंप के बाहर से घसीटा इस बॉल को, स्वीप शॉट और ये सामने बड़ा शॉट, वन बाउंड बाउंड्री और इसी बाउंड्री के साथ 100 रन पूरे हो चुके हैं सीबीआरई की टीम को और 11 रनों की और जरूरत है इस फाइनल मुकाबले को जीतने के लिए। बार कवर की तरफ ये शॉट उड़ा के मारा है, बहुत अच्छी फील्डिंग वहां पर नितिन से, एक रन मिला, तीन रन बचाए अपनी टीम के लिए। और ये हवा में बॉल सीधी हाथ में जा रही है फील्डर के, पकड़ लिया है कैच, वन आउट।
मैच में क्या ट्विस्ट आया है, यहाँ से क्या मैच पलट सकता है, देखना होगा। और हवा में बोल की जिस ट्विस्ट की मैं बात कर रहा था वो आ चुका है, सेट बैट्समैन शिवांश आउट हो चुके हैं। बैक टू बैक विकेट गिरते हुए अपनी पिछली गेंद पर विकेट गिरा है और इस बार शिवांश भी आउट हो चुके हैं। दो झटके लगातार लगते हुए मैच और ये गैप में शॉट को निकाल दिया है, एक रन तो भाग लिए हैं, दूसरे की कोशिश वहां दो रन आसानी से पूरे करेंगे और अब रह जाएंगे सिर्फ दो रन। और ये गैप में शॉट, चार रन, और इसी के साथ पीबीआरई ने ये फाइनल मुकाबला जीत लिया है और इस ट्रॉफी को अपने नाम कर लिया है। गुड़गांव क्रिकेट कप सीजन 2 के विनर हैं, चैंपियंस हैं पीबीआरई ईसीएस। अच्छा खेली पूरा टूर्नामेंट, आखिरी मुकाबले में वहां चौक कर गई। अंत तक चला ये मुकाबला, शिवांश की वो पारी कह सकते हैं कि है। डिफरेंस थी ये। तो मैच में पूरी तरह से बने हुए थे, जिस तरह का बॉलिंग में स्टार्ट मिला था, क्या कहना चाहेंगे आप सबसे पहले? तो आई थिंक काफी अच्छा मैच था और सीबीआरई ने बहुत अच्छा खेला। और जिस तरह से फाइनल एक ऐसा दिन होता है जब आई थिंक जिस टीम को अपने जो नर्व्स पे कंट्रोल कर लेता है वो मैच को ले जाता है, और आई थिंक सीबीआरई ने वही किया। डेफिनेटली ऑन पेपर हमारी टीम काफी स्ट्रांग थी एंड वी वर द फेवरेट्स आल्सो, बट आई थिंक द डे वाज देयर एंड उन्होंने बहुत अच्छा खेला सब लोगों ने मिलके। क्योंकि फाइनल और सेमीफाइनल ऐसे मैचेस होते हैं जहाँ पे एज अ टीम जब आप परफॉर्म करते हो देन यू विन बिग टूर्नामेंट्स, एंड आई थिंक वही आज सीबीआरई ने किया। और कमिंग टू द टूर्नामेंट, लास्ट वीक भी मैं बोल चुका हूँ कि हम लोग गुड़गांव कॉर्पोरेट सीजन 1 में खेले, 2 भी एंड 3 भी आने वाला है। सो बहुत अच्छे टूर्नामेंट थे, सारी फैसिलिटीज बहुत अच्छी थी, अमन ने बहुत अच्छा कोऑर्डिनेट किया, गौरव एक्सीलेंट कमेंट्री इन फाइनल्स, और जिस तरह से फैसिलिटीज हमें मिलती हैं आई थिंक दे आर वन ऑफ द बेस्ट इन एनसीआर। और थैंक यू सो मच अमन, एंड विल डेफिनेटली कम बैक और आगे वाले टूर्नामेंट्स में भी पार्टिसिपेट ऐसे ही करते रहेंगे। सो थैंक यू, और जब ऐसी जो अचीवमेंट मिलती है तो आपको काफी अच्छा लगता है। डेफिनेटली नंबर से आपको वो मोटिवेशन मिलता है आगे भी और अच्छा परफॉर्म करने के लिए, एंड आई थिंक वही मुझे अच्छा लगता है। हाँ, I think all are very good players, it's just that it was not our day. Definitely we'll come back stronger, हमारे पास एक और final है, जल्दी आ रहा है वो भी, so try करेंगे, उसमें जीतेंगे definitely boys, क्या बोलते हो सारे? Yes. Thank you so much, I'm just going to talk to the future. So Karan sir, जैसे कि एक बार लगा था जैसे तनाव की शुरुआत हुई थी, बहुत ही मजेदार शुरुआत की थी टीसीएस की ओर से, लेकिन आई वुड से दैट कि जो पहला गेम जीतकर रहा था करण सिंह जिन्होंने बैक टू बैक विकेट लिए, और उसके बाद से मतलब पार्टनरशिप आपकी टीम में बनने दी थी, पूरा टीम मेंबर था, राहुल जिन्होंने बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की, और उसके बाद उस वक्त जब बैटिंग में आए थे तो दो विकेट गिर गए थे, लेकिन शिवांश ने पूरे मैच को आसानी से इस मैच को जिता लिया। और क्या कहना चाहेंगे टूर्नामेंट के बारे में और अब इस फाइनल मुकाबले के बारे में? तो अपना शुरू से ही ये था कि इस फाइनल को कुछ ऐसे नहीं लेना कि कोई बहुत बड़ी हम लीग खेल रहे हैं,
तो सिंपल रखना है, बेसिक्स रखने हैं, अपने जो हम करते आए हैं वो करने हैं, बाकी अपने गेम पे डिसाइड करना है कि क्या होगा। ज्यादा कुछ एफर्ट नहीं मारने, जो बॉलर का काम है वो बॉलर करेगा, जो फील्डर का काम है वो फील्डर करेगा, जो बैट्समैन का काम है वो बैट्समैन करेगा। सिंपल बेसिक्स, नथिंग। टूर्नामेंट का कमन पहले दिन से हेड्स ऑफ है, सो हम आगे भी चाहेंगे कि खेलते हैं। थैंक यू फॉर द सपोर्ट। Thank you so much for your support.